आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और आज की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव हो सकती है क्योंकि ग्लोबल क्यूज ये इंडिकेट कर रहे हैं, एसजेक्स 50 को देखकर ये लग रहा है। और कल का जो रुझान रहा, जो हमने 9350 के लेवल को रेस्पेक्ट दी, उसके बाद इस तरह की इंडिकेशन मिल रही है कि ओपनिंग पॉजिटिव हो सकती है। हालांकि इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हो चुकी है और इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी अभी 40 पॉइंट्स नीचे है, सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट नेगेटिव बायस दिखा रहा है। लेकिन आज के सेशन में आपको नजर रखनी डिफेंस स्टॉक्स पर, ये पूरा पॉकेट मजबूत हो सकता है। अर्निंग्स वाले शेयर्स पर आपको ध्यान देना है। आज तीन इंडेक्स की कंपनियों के नंबर्स आएंगे जिनमें सिप्ला है, IOC है, बॉश है, अशोक लेलैंड के नंबर्स भी रिलीज होंगे तो उन पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। अर्निंग इंपैक्ट के लिहाज से अदानी समूह पर आप ध्यान दें, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, इन स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। जो पांच स्टॉक्स हमने आपको बताए आज ओपनिंग से पहले, वो स्टॉक्स पर भी आप फोकस करें क्योंकि वो शेयर्स मजबूत आज खुल सकते हैं। रुपए की शुरुआत हुई है एक और अच्छा संकेत आज की ओपनिंग से पहले, क्योंकि रुपए की यहाँ पर मजबूत ओपनिंग हुई है। 19 पैसे की मजबूती के साथ 64.54 पर रुपया ओपन हुआ है। लेकिन आज के सेशन में अदानी एंटरप्राइजेस पहला स्टॉक है जहाँ पर तेजी तय है। इसके अलावा आप ध्यान दे सकते हैं टलब्रोस ऑटो पर, SP अपेरल्स पर, जैन एरिगेशन पर। इन सभी कंपनियों के जो अर्निंग्स है वो अच्छे आए हैं जिसका इम्पैक्ट दिख सकता है स्टॉक प्राइसेस पर। देखिए जो शेयर जी बिजनेस ने आपको बताए थे ओपनिंग से पहले, वहां सभी शेयरों में इंडिकेटिव एक्शन में एक पॉजिटिव रुझान देखा जा रहा है। जैन एरिगेशन 3.5% ऊपर, टलब्रोस ऑटो 1.5% ऊपर है, SP अपेरल 16% ऊपर ट्रेड कर रहा है क्योंकि यहाँ एक टर्न अराउंड हुआ है। अदानी एंटरप्राइजेस वहां भी जो शुरुआत है वो पॉजिटिव बायस के साथ ही हुई है और स्टॉक 5% ऊपर 119 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अदानी पोर्ट्स पर भी आप ध्यान दें, नंबर्स तो मार्केट आज के दौरान ही आ गए थे लेकिन ये स्टॉक भी मजबूत हो सकता है। एक एपटेक आपको बताया था, ये भी मजबूती के साथ खुल सकता है, इंडिकेटिव एक्शन में 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन हर रोज फास्ट मनी शो में हम आपको 20 ट्रेडिंग कॉल्स बताते हैं, ये ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं। मैंने शुरुआत अदानी एंटरप्राइजेस के साथ करी थी, नंबर्स का इंपैक्ट आएगा, 117 का टारगेट लेकर खरीदारी करें, फोर्टिस हेल्थ केयर इसमें बिकवाली करें, 190 रुपए का टारगेट प्राइस होगा, टलब्रोस ऑटो 4 गुना मुनाफा बढ़ा है, 182 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, बतौर EPS HCG मैंने शामिल किया है, 2 गुना ज्यादा मुनाफा बढ़ा है, 260 का टारगेट होगा आज के लिए। जैन इरीगेशन के नंबर्स भी काफी इंप्रूव हुए हैं, उसका फायदा दिखेगा, 88.5 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। उसके साथ साथ डिफेंस स्पेस से BEL जो कल कैबिनेट के फैसले हैं उस वजह से तेजी आएगी, 171 रुपए का टारगेट होगा, और मुक्ता आर्ट्स घाटे से मुनाफे में आई है, 94.5 का टारगेट लेकर बिकवाली खदाई करें। दो बिकवाली के ट्रेड्स हैं, भारतीय एयरटेल और बलरामपुर चीनी, भारतीय एयरटेल में आज के लिए 362 और बलरामपुर चीनी में 156 का टारगेट लेकर बिकवाली करें, और बतौर सुपर एट डिफेंस स्पेस की एक कंपनी है एस्ट्रा माइक्रो, इसमें बड़ा मूव आ सकता है, 133 का टारगेट लेकर इसमें खदारी कर सकते हैं। मेरी तरफ से 10 के 10 कॉल जो है वो खरीदारी के लिए बताए गए हैं। शुरुआत मैंने जो की है वो है भारत फोर्ज के साथ, 1098 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 1077 का स्टॉप लॉस रखें। इंडसइंड बैंक को चुना गया खरीदारी के लिए, 1445 के टारगेट्स के लिए 1400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। महिंद्रा CI 246 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 238 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। EPS शेयर के तौर पर मैंने सल्ला परफॉर्मेंस को चुना है, करीब 63 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 58 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बर्जर पेंट्स करीब करीब 248 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 240 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें, चलने की राय दी जा रही है। विप्रो को चुना गया है 536 के टारगेट्स के लिए, 520 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ग्लोबल वेक्ट्रा 109 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 101 का स्टॉप लॉस रखें। वेस्टर्न इंडिया में आप खरीदारी कर सकते हैं, 87 के टारगेट्स के लिए 81 का स्टॉप लॉस। डेल्टा कॉप 150 रुपये के टारगेट्स के लिए चुना गया है, 143 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। और सुपर एट शेयर के तौर पर मैंने एपटेक को चुना है, 208 रुपये के टारगेट्स के लिए 195 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, चलने की राय आपको दी जा चुकी है। तो ये फास्ट मनी की कॉल्स आपने देखी, लेकिन इंडिकेटिव एक्शन को फिर से देखें तो निफ्टी अब ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर दिखा रहा है, 6 अंक नीचे है इंडिकेटिव एक्शन में, सेंसेक्स 30 पॉइंट्स ऊपर है। लेकिन आप देखिए ल्यूपिन को, ल्यूपिन अब 6.5% नीचे है इंडिकेटिव एक्शन में। कल नतीजे आए ल्यूपिन के 6.5% ये फैसला, उसके बाद ये रिकवर हुआ, रिकवर होने के बाद 1.5% गिरकर ये बंद हुआ था। लेकिन आज आप देखिए तमाम ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री आई है वो काफी कमजोर आई है। मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि US में जो प्राइस इरोजन है वो अभी कुछ और क्वार्टर्स में कंटिन्यू होगा, और शायद ये मैनेजमेंट की कमेंट्री हावी हुई हो रही है आज ल्यूपिन पर। और अभी इंडिकेटिव एक्शन में 6.5% नीचे 1153 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। नतीजे सिप्ला के भी आने हैं, लेकिन ये स्टॉक करीब 1.25% बढ़कर ट्रेड कर रहा है। एक बार औरबिंदो फार्मा को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसा स्टॉक रहा है जो कि कॉन्स्टेंट कमजोर हुआ है, कल भी 52 हफ्तों के लोअर लेवल्स पर ही क्लोज हुआ था, आज भी 0.5% की वीकनेस देखी जा रही है, 523 के लेवल्स हैं। ये मिस्टर चतुर्मोथा, ये फार्मा से कोई शॉर्ट ट्रेड आपने कल क्लाइंट को रेकमेंड किया था क्या,
या फिर आज आप कैसे प्ले करेंगे इन स्टॉक्स को, क्योंकि आज बिहेवियर मिक्स्ड है इंडिकेटर एक्शन में, एटलीस्ट जो पिक्चर दिख रही है। काफ़ी शॉर्ट्स रिकमेंड किए थे फार्मा में, और मुझे याद है कुछ समय पहले आपके चैनल पे एक शो हुआ था जिसके अंदर सन फार्मा पे लॉन्ग पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी, इसके ऊपर एक बड़ा डिबेट हुआ था फंडामेंटली और टेक्निकली। तब भी हमने कहा था कि ये स्टॉक अभी बहुत समय लेगा और इसके अंदर में वीकनेस क्लियरली नज़र आ रही है, और मुझे लगता है ये पूरा स्पेस जो है वो कहीं ना कहीं 52 वीक लो, 50 मंथली लोज और ईयरली लोज को ब्रेक कर रहा है, तो इसमें कहीं भी कोई अभी साइन ऑफ ऐसा रिकवरी नज़र नहीं आ रही है। अगर से कोई पुलबैक्स आते भी है तो ये शॉर्ट मुझे लगता है यहाँ पर पे काफ़ी एक्टिव रहेंगे। स्टॉक्स जो मुझे लगता है अभी काफ़ी वीक लग रहा है उसमें औरबिंदो फार्मा एक स्टॉक है, जहाँ मुझे लगता है कम से कम 470-465 के लेवल्स डाउनसाइड के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। लूपिन के अंदर में जिस तरह के रिजल्ट आया उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये वैसे ही बहुत वीक चल रहा था, और जब भी ये 1200 के स्तरों को ब्रेक करेगा तो उस सिचुएशन में 1120-1130 के लेवल्स लूपिन के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। मिस्टर महाजन, आप कौन से स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह दे रहे हैं सर? द क्वेश्चन इज डायरेक्टेड एट मी? यस सर, आपसे पूछ। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरीके के मार्केट आज, उम्मीद है कि निश्चित रूप से कुछ खरीदारी आएगी, कौन से स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए? देखिए, वी रिमेन वेरी बुलिश ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्पेस। वी हैव बीन प्लेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू सीमेंट। दे आर द टॉप पिक इज ओडिशा सीमेंट लिमिटेड व्हिच इज गोइंग टू मर्ज विद डालमिया भारत। सो ओडिशा सीमेंट लिमिटेड इज अ टॉप पिक एज ऑल्सो बिरला कॉर्पोरेशन। ओके, सेकेंड वी लाइक फाइनेंशियल सेक्टर स्पेस अलॉट। दे आर फ्रंटलाइन देखना है तो इंडसइंड बैंक, सेकेंड विल बी एडलवाइस विच शुड ऑफर वेरी डिसेंट अपसाइड पोटेंशियल इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। वी रिमेन बुलिश ऑन ऑटो एंड ऑटो इंसिलरी स्पेस। ऑफकोर्स फ्रंटलाइन में मारुति एंड आयशा रिमेन आर प्रेफर्ड पिक, और मिड कैप में स्टील स्ट्रिप्स एंड व्हील्स शुड ऑफर 20-25% अपसाइड पोटेंशियल इन नेक्स्ट मंथ। एक बार इंडिकेटर एक्शन में आप वीडियो कॉन को देख लीजिए, चौथा सेशन है जब लोअर सर्किट पर यह स्टॉक खुल सकता है। 11% नीचे आज 53 के लेवल्स पर। ये पिछले तीन सेशन का ट्रेंड देखिए, 20% गिरा, कल 10% गिरकर बंद हुआ, आज फिर 11% नीचे है ये इंडिकेटर एक्शन में 53 के लेवल। एक और स्पेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है देखने, वो है एडीजी पैक के स्टॉक्स, क्योंकि कल बहुत स्ट्रांगली बिकवाली इसमें देखने को मिली थी। कारण जो भी हो, बहुत मेजर कारण तो हांगकांग में जिस तरीके से बॉन्ड टूटा वो बताया जा रहा था, वो रिकवर हो गया था, ये मैं आपको बता दूं इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन रिकवरी स्टॉक्स में नहीं दिखी थी। हाँ, स्टॉक्स में नहीं दिखी थी। आज फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो रहे हैं तमाम स्टॉक्स। सुनील जी, आप क्या एडवाइस कर रहे हैं क्लाइंट्स का जिन्होंने भी पोर्टफोलियो में ले रखे हो एडीजी पैक से जुड़े हुए स्टॉक्स, वो क्या करें इस समय? देखिए, ये पैक में कंपैरेटिवली रिलायंस इंफ्रा इज ऑन अ सेफर साइड। बाकी रिलायंस डिफेंस हम लोग कंसिस्टेंटली क्लाइंटों को रिड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं, और रिलायंस कम्युनिकेशन डेफिनेटली पूरे मार्केट में कम्युनिकेशन का प्रेशर और प्लस उनकी खुद की वीकनेस के कारण काफ़ी प्रेशर में है। तो रिलायंस इंफ्रा इज मोर ऑफ अ सेफर बैट, तो उसमें कंसिस्टेंट और स्टडी इनकम वाली रेवेन्यू स्ट्रीम है, और मुझे लगता है कि वो स्टॉक कोई अच्छा कोई डिक्लाइन आता है तो उसे परचेज करना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी एडीजी समूह के दो स्टॉक्स पर स्पेशली आप थोड़ा कॉशियस रही, तो आरकॉम जो कि ऑलरेडी एफेंडो बैन में भी है और स्टॉक काफी करेक्ट भी हुआ, और एक और नए स्टॉक की एंट्री हुई है एफेंडो बैन कैटेगरी में, वो है रिलायंस कैपिटल, तो इन दो स्टॉक्स पर आपको कॉशियस रहना है। मिस्टर केलकर, ये सरकारी बैंकों पर आज आप क्या करेंगे, स्पेशली पिछले 3-4 दिनों की हैमरिंग के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक स्पेशली? इनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा स्टॉक दिखाई दे रहा है सरकारी बैंकों में से कि जिसमें एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है और यहाँ से एक बाउंस बैक की अपेक्षा भी है। अगर ये स्टॉक, लेकिन इसके लिए मैं एक लेवल वॉच करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 178। अगर ये 178 के ऊपर निकलता है तो मैं 174 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और लक्ष्य के लिए मैं 186 का लेवल तय करूंगा। मिस्टर चतुर्मोता, ये टायर स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं एक्सपायरी से पहले, क्या कुछ शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं सर? है बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप इसमें देखेंगे तो बिल्डअप पोजीशंस काफ़ी बनी हुई थी, और जो लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है वो मुझे लगता है मोर ऑफ अ एक वीक पोजीशंस लॉन्ग साइड की जो है वो रिड्यूस हुई है, बट डेफिनेटली ब्रॉडली मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ में। इसमें अपोलो टायर्स मुझे लगता है कि इन लेवल्स के आसपास स्टेबल होना चाहिए, और डाउन साइड में 216-215 के लेवल्स अगर से होल्ड होते हैं तो ऊपर में मुझे लगता है 240-242 की तक की अपसाइड वापस से अपोलो टायर्स में देखने को मिल सकती है। इस बीच इनफैक्ट टायर स्पेस की बात हुई तो सीएट पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि
सीरीज का काफी मिस्टीरियस स्टॉक ये रहा है और आज एफएनडो बैंड से बाहर भी आया है, तो 1.25% ऊपर 1720 के लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार आप देखिए इंडिकेटिव एक्शन में जो स्टॉक्स बढ़कर ट्रेड करें, तो देखिए इलेक्ट्रोथर्म कल भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ एक क्लोज हुआ था, आज भी 10% ऊपर है। जैन इरिगेशन डीवीआर नंबर्स अच्छे आए हैं, उसका तो सपोर्ट मिला ही है और आज एक्सपायरी डे है, तो इसे एक शॉर्ट कवरिंग के तौर पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में ये स्टॉक अपने हायर लेवल से काफी नीचे आया है। दोनों स्टॉक्स में अच्छा रुझान आज के सत्र में देखा जा रहा है। एसपी अपेरल्स का हमने आपको बताया था कि स्टॉक मजबूत ओपन हो सकता है, इंडिकेटिव एक्शन में 6% ऊपर है। अदानी एंटरप्राइजेस करीब 5% ऊपर 119 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉक आप देखिए जीटीएनडी इंडिया, ये स्टॉक भी विद वॉल्यूम्स ऊपर है इंडिकेटिव एक्शन में, अर्निंग स्ट्रॉन्ग आए हैं और स्टॉक 4.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक भारत फाइनेंशियल को भी देख लीजिए, ये स्टॉक भी 3.25% ऊपर 692 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। भारत फाइनेंशियल भी एफएनडो बैंड से बाहर आया है और आज कुछ हाउसेस की रिपोर्ट भी आई है जिन्होंने अपग्रेड किया है स्टॉक को। एक आप देखिए वीआईपी क्लोथिंग, ये पहले मैक्सवेल इंडस्ट्रीज होता था, ये स्टॉक भी 3% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में 59 के लेवल्स पर। मिस्टर चतुर्मोता, ये जैन इरिगेशन पर आपके कमेंट्स चाहिए, ये जो शॉर्ट कवरिंग या फिर जो रिकवरी आज के सेशन में इंडिकेटिव एक्शन में दिख रही है, ये कितना ऊपर ले जा सकती है स्टॉक को, टारगेट्स आप क्या रखेंगे आज? देखिए मैं तो समझता हूँ कि अगर से रिकवरी आती है और स्टॉक 89, 88, 50 तक आता है तो वहाँ पर पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक काफ़ी हैवी शॉर्ट बिल्डअप स्टॉक के अंदर बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि 91, 92 के लेवल्स को डिसाइसिवली क्रॉस कर पाएगा, तो कोई भी रिकवरी आती तो वहाँ पर पे इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए।